वेलकम टू सेकेंड लेक्चर ऑफ वैक्यूम पम्प फ्रेंड्स आज वैक्यूम पम्प के सेकेंड लेक्चर में बेसिकली हम डिस्कस करेंगे स्क्रू टाइप वैक्यूम पम्प डाइफ्रोन टाइप एंड टेबोमोलिकुलर टाइप वैक्यूम पम्प के बारे में फ्रेंड्स ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे कहूँगा कि जिसको भी मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा पॉसिबल है उतना ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए पहले हम बात करते हैं स्क्रू टाइप पैट्रिंग की तो फ्रेंड्स स्क्रू टाइप पैट्रिंग को समझने के लिए पहले हमें उसकी वर्किंग समझनी पड़ेगी इसके लिए ये जो डायग्राम मैं भी आपको दिखाने जा रहा हूँ प्लीज इस वीडियो को बहुत ही गौर से देखिए सो फ्रेंड्स आप देखिए दो स्क्रू मूव कर रहे हैं बीच में गैस को कंप्रेस किया जाता है और उस गैस को नीचे से ले जाकर डिस्चार्ज कर दिया जाता है ये 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 देखिए गैस गैस फाइनली नीचे से डिस्चार्ज हो गई और जैकेट में इसमें हमने कूलिंग वाटर यूज किया है ताकि जो भी हमारी मीन्स ये कंप्रेशन की वजह से जो भी अंदर हीट जनरेट हो उसको हम आ, उसके इफेक्ट को हम बिल्कुल ही न्यूट्रलाइज कर दें सो फ्रेंड्स स्क्रू टाइप वैक्यूम पंप को समझने के लिए सबसे पहले इसके पार्ट्स को समझिएगा कि इसमें बेसिकली होता क्या है दो स्क्रू होते हैं दोनों के दोनों स्क्रू एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं फ्रेंड्स याद रखिए दोनों के दोनों स्क्रू एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं इनलेट पोर्ट में इन स्क्रूज के मूवमेंट की वजह से एक हल्का सा नेगेटिव ड्राफ्ट क्रिएट होता है जिसकी वजह से जो वो क्या करता है एयर को एयर को बाहर से अंदर की तरफ मूव करता है इसके बाद में पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप है ये आप जानते हैं पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप क्या करता है एयर को अंदर अपने अंदर ट्रैप कर लेता है so, सो स्क्रू पंप्स ने एयर को अपने अंदर ट्रैप कर लिया और बेसिकली फिर जैसे जैसे स्क्रू मूव करता गया स्क्रू के मूवमेंट्स के हिसाब से वो गैस आपकी कंप्रेस होती चली जाती है और फाइनली वो कंप्रेस गैस आपका एग्जिट पॉइंट से डिस्चार्ज कर देती है सो so फ्रेंड्स ये बेसिकली वर्किंग प्रिंसिपल होता है स्क्रू टाइप वैक्यूम पंप का जितना ज़्यादा स्क्रू की स्पीड होगी उतना ज़्यादा आपका वैक्यूम क्रिएट होगा सो फ्रेंड्स होप आपको स्क्रू टाइप वैक्यूम पंप की वर्किंग क्लियर हो गई होगी अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स इसके एडवांटेजेस की फ्रेंड्स अगर हम एडवांटेजेस की बात करते हैं इट कैन अचीव लोअर वैक्यूम देन लिक्विड ड्रिंक पंप ये जो है हमारा ये लिक्विड ड्रिंक पंप से भी कम वैक्यूम अचीव करके दे सकता है सेकेंड एडवांटेज इट इज़ हाईली एफिशियंट ये हमारा काफी ज़्यादा एफिशियंट है एंड द थर्ड वन इट हैज़ लोअर स्पेयर पार्ट कॉस्ट इसके जो स्पेयर पार्ट्स हैं उसका कॉस्ट जो है वो काफ़ी कम होता है अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं अगर इसके डिसएडवांटेजेस की तो फ्रेंड्स इट हैज लिमिटेड कैपेसिटी रेंज कंपेयर टू लिक्विड रिंग पंप अगर हम लिक्विड रिंग पंप की बात करते हैं तो उसके कंपेरिजन में इसकी जो कैपेसिटी है वो काफ़ी ज्यादा लिमिट करती है सेकेंड वन इट इज़ मोर एक्सपेंसिव दैट रोटेटरी पंप एंड लिक्विड रिंग पंप अगर हम इन दोनों लिक्विड रिंग और रोटेटरी विंग के से कंपेयर करते हैं तो ये हमारा थोड़ा महंगा पड़ता है एंड द थर्ड वन इट इज़ वेरी डेलीकेट टू ऑपरेट करेक्टली अगर इसको प्रॉपर तरीके से तो ऑपरेट नहीं किया जाएगा तो इसके डैमेज होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं सो फ्रेंड्स होप आपको स्क्रू टाइप वैक्यूम पम्प बिल्कुल क्लियर हो गया होगा इस स्लाइड में बेसिकली हम बात करेंगे टर्बो मॉलिकुलर वैक्यूम पंप की फ्रेंड्स अगर आप इस डायग्राम को गौर से देखें तो आप देखेंगे इस डायग्राम में ये देखिए ये पहला एक रोटर है जो आपका मूव कर रहा है जो अदर सेकेंड वन रोटर है वो आपका रुका हुआ है थर्ड वन आपका फिर मूव कर रहा है फोर्थ वन आपका फिर रुका हुआ है यही साइकिल चलती रहती है पूरे पंप में फ्रेंड्स इसका रीजन क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ जैसा कि मैंने आपको बताया था कि टैगो मॉलिकूलर पंप के केस में हमारी जो भी गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वैक्यूम क्रिएट करने के लिए हम उनको काफ़ी हाई वेलोसिटी प्रोवाइड करते हैं जैसा कि आपको पता है कि जैसे ही आपकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है आपका प्रेशर ड्रॉप होता है जिसकी वजह से आपका वैक्यूम क्रिएट होता है सो फ्रेंड्स वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी अप्लाई होता है जो भी हमारे जहाँ पे भी हमें वैक्यूम क्रिएट करना है वहाँ पे जो भी हमारी गैस है उसको बेसिकली ये वाला जो रोटर है ये रोटर उसको हाई वेलोसिटी मीन्स हाई मोमेंटम प्रोवाइड करता है उस गैस को आगे कैसे मूव करना है ये जो पाथ आगे वाला जो स्टेशनरी रोटर है उसका काम खाली रहता है कि वो इसको आगे का एक फिक्स पाथ प्रोवाइड करता है कि उस गैस को किस डायरेक्शन में आगे को मूव करना है अगेन जो थर्ड वन वाला है रोटर वो उसको अगेन उसकी स्पीड को और इंक्रीज करेगा जो फोर्थ वन वाला है वो बेसिकली उसको अगेन फिर डैक्सन प्रोवाइड करता है सो so फ्रेंड्स इस तरीके से स्टेटर और रोटर दोनों के हेल्प से बेसिकली गैस को एक डैक्सन प्रोवाइड की जाती है कि गैस को एक जगह से दूसरी जगह किस तरीके से मूव करवाना है सो so फ्रेंड्स टर्बो टर्बोमोलिकुलर पम्प के केस में मैं आपको दोबारा रिपीट करता हूँ हमारी दो चीज़ें होती हैं एक एक स्टेशनरी रोटर और एक मूविंग रोटर मूविंग रोटर का काम होता है उसको मोमेंटम प्रोवाइड करना और स्टेशनरी जो का काम होता है बेसिकली उसको एक गैक्सन प्रोवाइड करना जिसमें हमारी गैस को मूव करना है सो so फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की तो फ्रेंड्स इसका मेन एडवांटेज ये है दैट इट इज़ इजी टू ऑपरेट इट हैज लो मेंटेनेंस इसमें जो मेंटेनेंस का खर्चा होता है वो काफ़ी कम होता है थर्ड वन इज़ हाई पंपिंग स्पीड सो हाई वैक्यूम रेंज इसकी पंपिंग स्पीड काफ़ी ज़्यादा हाई होती है जैसा कि मैंने आपको बताया था नियर अबाउट ट्वेंटी थाउजेंड आर तो ये काफ़ी हाई वैक्यूम क्रिएट करके हमको देता है अगर फ्रेंड्स हम इसके टेस्ट एडवांटेज की बात करते हैं तो इट कैन बी नॉइसी एंड इंड्यूस वाइब्रेशन तो ये हमारा नॉइसी होता है और वाइब्रेशंस भी होते हैं इसमें सेकेंड वन इट इज़ एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू अदर्स अगर हम दूसरों से कंपेयर करते हैं तो उसके कम्पेरिजन में ये एक्सपेंसिव होता है और फ्रेंड्स द लास्ट वन फीयर ऑफ ब्रोकन ब्रोकैन ब्लेड्स जैसा कि आपको पता है कि ये काफ़ी हाई आर पी एम मीनस अप्रोक्सीमेटली ट्वेंटी थाउजेंड आर पी एम के आसपास में ये रोटेट करता है तो अगर बाहर से हमारी गैस के साथ में कोई भी छोटे से भी पार्टिकल्स आते हैं तो इसकी जो ब्लेड्स हैं उनके टूटने का चांसेस रहता है ये इसका मेन डिसएडवांटेज है सो फ्रेंड्स होप आपको टर्बो मोलिकुलर वैक्यूम पंप की वर्किंग क्लियर हो गई होगी अब हम बात करते हैं डाइफ्राम टाइप ऑफ वैक्यूम पंप फ्रेंड्स डाइफ्राम टाइप वैक्यूम पंप को समझने के लिए आप पहले इस डायग्राम को गौर से देखिए अगर इस डायग्राम को आप गौर से देखेंगे तो ये हमारा इनलेट वॉल्व है मेरे पॉइंटर को आप देखिएगा ये मेरा इनलेट वॉल्व है ये मेरा एग्जिट वॉल्व है और ये मेरा डाइफ्राम है ये डायफ्राम विद द हेल्प ऑफ रॉड एक आपका बाहर एक क्रैंक लगा हुआ है जिससे ये कनेक्टेड है और उसके हिसाब से ये आपका मूव कर रहा है उसके मूवमेंट के हिसाब से सो फ्रेंड्स देखिए इस केस में होता क्या है बेसिकली जैसे ही ये डायफ्राम बाहर की तरफ मूव किया हल्का सा निगेटिव सेक्शन क्रिएट होता है और इसने गैस को अंदर लिया और इसी डायफ्राम के दूसरे मूवमेंट के हिसाब से ये गैस को बाहर की तरफ मूव करवा रहा है फ्रेंड्स आप देखिए ये जो क्रैंक मूव कर रही है बेसिकली ये जो रॉड कनेक्टेड है वो बेसिकली उसके सेंटर पे नहीं कनेक्टेड है वो उसके सेंटर से थोड़ा हट के कनेक्टेड है ये मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि वैक्यूम पंप्स के केस में हमेशा जो भी हमारा मूवमेंट होता है उसके लिए हम जो भी हमारा सर्कुलर रोटर हो चाहे जो कुछ हो हम उसको थोड़ा इसेंट्रिक प्लेस्ड करते हैं बिकॉज उससे गैस को कंप्रेस करने में हमें हेल्प मिलता है जो हमें वैक्यूम बनाने में काफ़ी ज़्यादा मदद देता है फ्रेंड्स इस डायग्राम में आप देखिए कि आप देखिए इसेंट्रिक होने का बेनिफिट ये गैस मेरी अंदर आई आप देखिए ये देखिए गैस अंदर आई यहाँ पे पहले ये इसको एक्सपेंड करेगा और फिर आगे ले जाके गैस को कंप्रेस करेगा ये देखिए फ्रेंड्स पहले ये एक्सपेंड हुआ गैस इन हुई और फिर यहाँ पे ले जाके उसको कंप्रेस करके उसने यहाँ से रिलीज कर दिया सो so, फ्रेंड्स याद रखिए डाइफ्रोम टाइप ऑफ वैक्यूम पंप की वर्किंग में आपका डाइफ्रोम के मूवमेंट की वजह से आपका जो गैस है उसको एक जगह से दूसरी जगह मूव किया जाता है जो बेसिकली एक रॉड से कनेक्टेड होती है सो फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की तो फ्रेंड्स इट हैज़ अ कॉम्पैक्ट डिज़ाइन इसका डिज़ाइन काफ़ी कॉम्पैक्ट होता है सेकेंड वन इट हैज़ लो मेंटेनेंस द थर्ड वन गुड लाइफ टाइम ऑफ डाइफ्राम जो डाइफ्राम है इसकी लाइफ टाइम काफ़ी अच्छी होती है फोर्थ वन गैस डजेंट कम इन कॉन्टेक्ट विद द पिस्टन गैस जो है वो किसी भी तरीके से पिस्टन के कॉन्टेक्ट में में नहीं आती है और फ्रेंड्स अगर हम इसके डिसएडवांटेज की बात करते हैं तो इट हैज स्मॉल कैपेसिटी पम्प ये जो पम्प होता है हमारा इसकी कैपेसिटी जो होती है ये बेसिकली स्मॉल होती है इसको आप कनेक्टिंग रॉड या फिर पिस्टन जैसा भी बोल सकते हैं फ्रेंड्स ये जो दो वॉल्व लगे हैं ये दोनों के दोनों बेसिकली एनआरवीज होते हैं एनआरवी वी नो मीन्स नॉन रिटर्निंग वॉल्व ये बेसिकली एक ही डायरेक्शन में फ्लो अलाउ करते हैं लाइक like, जैसे ही आपका डायफ्राम नीचे की तरफ मूव किया ये गैस को अंदर आने देगा बिकॉज अंदर वैक्यूम है तो ये अंदर की तरफ खोल खुलेगा और जैसे ही ये ऊपर की तरफ आपका डायफ्राम मूव किया ये इनलेट वॉल्व को बंद कर देगा और डिस्चार्ज वॉल्व को ओपन करके वहां से गैस को रिलीज कर देगा बिकॉज एनआरवी होते हैं नॉन रिटर्नेबल वॉल इसमें मूवमेंट खाली एक ही डायरेक्शन में होता है सो फ्रेंड्स होप आपको वैक्यूम पंप की वर्किंग क्लियर हो गई होगी फ्रेंड्स हम बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ वैक्यूम पंप की सो so फ्रेंड्स अगर एडवांटेजेस की हम बात करते हैं तो दे आर सेक्योरली यूज टू सक एंड मूव गैस आउट ये काफी अच्छे रहते हैं अगर कहीं से हमको गैस को सक करना और मूव करना है एंड द सेकेंड वन दे हैव स्पिल अवॉइडेंस एंड कंट्रोल द कैपेसिटी ऑफ ऑर्डर ये इसमें बेसिकली हम गैस हम जो भी मटेरियल गैस है उसकी स्पिल को इधर उधर कंट्रोल कर सकते हैं और ये हमारा आपका उसकी स्मेल को भी कंट्रोल करने में हेल्प करता है एंड इट इज़ बेसिकली यूज फॉर मूविंग डेंजरस मटेरियल्स टू सेफ एन्वायॉयरमेंट जो भी हमारे डेंजरस गैसेज हैं उनको बेसिकली हम एक सेफ़ एन्वायरमेंट में इसकी हेल्प से रिलीज कर सकते हैं एंड द फोर्थ वन बट नॉट द लीस्ट की स्पेस जो लगती है एक स्टीमडेड डिटेक्टर से आप कंपेयर करो तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें लगती हैं आपका बैरोमेट्रिक पॉट लगता है बैरोमेट्रिक लेक्स लगते हैं सेस लगते हैं बट उनसे अगर आप कंपेयर करो तो इसमें स्पेस काफ़ी कम लगती है अगर फ्रेंड हम इसके जैसे एडवांटेज की बात करते हैं तो फ्रेंड्स इस इसमें अगर हमारे जो फ्लूड है उसके साथ में कोई कचरा आए तो हमारा ये डैमेज होने के चांसेस रहते हैं ये एक्सपेंसिव होते हैं और इनका मेंटेनेंस कॉस्ट जो होता है ये हाई होता है एंड द थर्ड वन की इसकी जो मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन है कोई भी मटेरियल यूज करने से पहले आपको इसका एमओ चेक करना पड़ेगा कि ये उसके साथ में कम्पेटिबल है या फिर नहीं अदरवाइज़ ये आपका काफ़ी जल्दी डैमेज भी हो सकता है सो so फ्रेंड्स आपको एडवांटेजेज और डिसएडवांटेजेस वैक्यूम पंप के अब क्लियर हो गए हो, होंगे फ्रेंड्स होप आपको आज का मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा सो so फ्रेंड्स कल बेसिकली हम डिस्कस करेंगे स्टीम जेट डिजेक्टर और वैक्यूम पम्प से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में जो बेसिकली हमसे इंटरव्यूज में बार 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 रिपीट किए जाते हैं फ्रेंड्स अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा पॉसिबल है उतना ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए अगर आपको और भी किसी वैक्यूम पम्प के बारे में जानना है जिसको मैंने इसमें डिस्क्राइब नहीं किया है बिकॉज़ कुछ वैसे वैक्यूम पम्प हैं जिनका यूज़ आप काफ़ी रेयरली देखोगे अगर किसी को उसमें भी इंटरेस्ट है तो आप मेरे को मैसेज कीजिएगा यूट्यूब पर मैं उसमें आपको सेपरेट लेक्चर बना के बताऊँगा सो फ्रेंड्स टिल देन गुड बाय हैव अ नाइस डे